रहते हैं, वरना दे वेरी बिजी एंड मैं ही जाता रहता हूँ। तो यही मैं गणपति बप्पा से यही इट मेक्स इट स्पेशल कि गणपति बप्पा अपने साथ मेरे माँ बाप को लेके आते हैं। सो इट मेक्स इट इन इट सेल्फ इट्स अ वेरी स्पेशल ओकेजन। और ये ऐसा वक्त होता है कि यू नो गणेश चतुर्थी इज़ नोन फॉर वॉट, कि गणपति बप्पा आते हैं और आपके सारे जितनी वरीज हैं, आपके जितने चैलेंजेस हैं या फिर जितनी डिफ़िकल्टीज हैं, तो टेक देम अवे। सो मैं तो ऐसे ही मानता हूँ कि वो जब भी आते हैं वो सारी वरीज और सब कुछ जो आपका यू नो जो भी आप स्ट्रेस में हैं वो सब लेके चले जाते हैं। सो मैं ऐसा मानता हूँ क्योंकि और आई थिंक देयर इज़ लॉट ऑफ पावर इन इट। गणपति बप्पा में बहुत पावर है और इस फेस्टिवल में बहुत पावर है। मुझे 5 साल हो गए हैं रखते हुए और यू नो आई बीइंग फ्रॉम दिल्ली, मैं हमेशा दिवाली फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं ज़्यादा दिल्ली में। तो गणपति बप्पा ये मैंने बॉम्बे आके शुरू किया एंड आई थिंक इट्स द बेस्ट थिंग आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड। इनफैक्ट बैक होम इन दिल्ली नाउ मेरे पेरेंट्स अब सेलिब्रेट करने लग गए हैं गणपति बप्पा का फेस्टिवल, सो विच सच अ गुड थिंग। और आई थिंक ये जाना जाता है कि ये आते हैं और सबकी वरीज लेके चले जाते हैं। और मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है और ये दैट्स वाई इट मेक्स फॉर मी गणेश चतुर्थी इज़ वेरी स्पेशल। एंड जो आप मांगो वो ज़रूर आप अगर सच्चे फेथ से या सच्ची इच्छा जो आपकी है, अगर आपका बिलीफ है, आपका फेथ है, स्ट्रॉन्ग है, तो आई एम श्योर कि गणपति बप्पा पूरा करते हैं। एंड मैं एक्साइटेड इसलिए रहता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि मैंने कहा कि मेरे माँ बाप आते हैं, और सेकेंडली होता है कि पूरा घर सजाते हैं, सारे घर सजते हैं आसपास, लोग स्वीट्स लेके आते हैं घर पे, लोग विजिट करते हैं, हम लोगों के घर जाते हैं, तो इट्स अ गुड एनर्जी ऑल अराउंड। हम अच्छी एनर्जी घर लेके आते हैं, अच्छी एनर्जी लोगों के घर लेके जाते हैं, यू फील गुड अबाउट इट एंड हर जगह लाइट्स लगी होती हैं, तो बहुत अच्छा एक एटमॉस्फेयर होता है इस वक्त विच आई रियली लाइक। सो दैट्स व्हाई यू नो मैं कहूँगा कि It's a very special occasion for me. Preparation ये है कि no sleep, no going out, eating good food, multivitamins खाओ, rehearsal बहुत करो. So actually हमारी life इतनी पेसी है ना इस वक्त, इतनी fast हो गई है कि समझ ही नहीं आता कि दिन शुरू कब होता है और ख़त्म कब होता है. तो I think मुझे realization इस चीज़ का होगा, मतलब पिछले 2-3 महीने से मोहित मेरे साथ है भी और नहीं भी, क्योंकि वो बस 10 मिनट के लिए घर आते हैं, उसमें वो इतने थके होते हैं कि वो जैसे ही आते हैं वो सो जाते हैं, मतलब रात को जब आते हैं तो ना हमारी कोई बातचीत ज़्यादा होती है ना. मैं कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम टाइम मैं उनके साथ स्पेंड करूँ, मैं झलक हाउस जाती हूँ, वहाँ पर रहती हूँ उनके साथ, हालाँकि वो मेरे से बात नहीं, उनको टाइम ही नहीं होता बात करने का, बट मुझे ये होता है कि चलो ठीक है मेरे सामने है, मैं उनके साथ टाइम बिताती हूँ. तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि फिनाले में वो जाए जीते बिल्कुल, क्योंकि इतनी मेहनत करी है उन्होंने, और उनकी मेहनत कुछ एक्स्ट्रा ही होती है, क्योंकि वो जब तक अपना परफेक्शनिस्ट नेचर है उनका, तो जब तक परफेक्ट स्टेप नहीं आता वो करते रहते हैं, और वो नॉन डांसर है, उन्होंने शुरू से कभी डांस नहीं किया है, तो उस वजह से उनको हो रही है डिफ़िकल्टीज, बहुत आ रही है, बॉडी गिव अप कर रही है, लेकिन ही इज़ अ फाइटर एंड आई एम श्योर ही विल विन झलक.